जी छात्रों, कक्षा 12वीं बही खाता के अंतर्गत अध्याय 4 में हम साझेदारी के प्रवेश, नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में यहाँ चर्चा कर रहे थे। चौथा बिंदु जो हमारा यहाँ पर है, पूंजी का समायोजन। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब कोई नया फर्म में साझेदार आता है तो फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन। इस स्थिति में जो पुराने साझेदारों की जो पूंजी होती है, उस पूंजी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नए साझेदार के द्वारा भी पूंजी और ख्याति की राशि लाई जाती है। इस स्थिति में पूंजी का जो समायोजन है किस प्रकार से होगा, ये तीन स्थितियों में होता है जिनको हम यहाँ आगे देखेंगे। तो सबसे पहली स्थिति जो हमारे सामने है, पूंजी के समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय जब पुराने साझेदार अपने हिस्से के लाभ में से एक भाग नए साझेदार को देते हैं और नया साझेदार फर्म में लाभ व फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने हेतु अपने हिस्से की पूंजी लाता है, तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस नए साझेदार को जो उसका लाभ का हिस्सा दिया जा रहा है, वो पुराने साझेदार जो हैं अपने भाग में से नए साझेदार को देते हैं। यहाँ पर नया साझेदार जो है फर्म में लाभ व फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो पूंजी लाता है, तो इस स्थिति में पुराने साझेदार फर्म की नई पूंजी की संरचना भी करते हैं। अब यहाँ पर जब नया साझेदार फर्म में पूंजी लेकर आता है तो पुराने साझेदार जो फर्म में पहले पूंजी थी, अब फिर से नई पूंजी का निर्धारण यहाँ पर करते हैं। साथ ही ये भी तय करते हैं कि अब आज की स्थिति में जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया है तो फर्म की पूंजी कुल कितनी होगी। तो इस स्थिति में दो बिंदु आते हैं यहाँ पर, जब जो उनकी पुरानी समायोजित पूंजी है और अब पुराने साझेदारों की जो नई पूंजी होगी, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होता है। तो या तो ये हो सकता है कि पुरानी समायोजित जो पूंजी है वो कम हो और नए पूंजी संरचना के अनुपात में उनकी पूंजी ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में पुराने साझेदार को जो है नई स्थिति के अनुसार यहाँ पर जो है नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के अनुपात में होगी या कोई अन्य अनुपात में होगी, ये हमें देखना होता है। तो यहाँ पर यदि नए अनुपात में पुराने साझेदारों की पूंजी कम हुई तो उस अनुपात में वो उतनी पूंजी और लेके आते हैं, और यदि नए अनुपात में पूंजी कम हुई, पुराने समायोजित अनुपात में पूंजी ज़्यादा थी, तो ऐसी स्थिति में वो उतनी पूंजी निकाल लिया। तो इस कारण से जो है हम यहाँ पर पूंजी का समायोजन करते हैं। तो इस प्रकार से जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब यहाँ पर हम पूंजी का समायोजन करते हैं। अब पहला बिंदु जो हमारे सामने यहाँ पर है, नए साझेदार के हिस्से के आधार पर पूंजी या लाभ हानि अनुपात में पूंजी का समायोजन। अब यहाँ पर जो पहली स्थिति हमारे सामने है, जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता तो उसके हिस्से के आधार पर पूंजी या लाभ हानि अनुपात में हम पूंजी का समायोजन करते हैं। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय सभी साझेदार इस बात से सहमत होते हैं कि उनकी पूंजी लाभ हानि अनुपात में कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में नई फर्म की पूंजी का निर्धारण नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से के त्याग के लिए लाई गई पूंजी के आधार पर निर्धारित की जाती है। यहाँ नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर जो है नया साझेदार जो फर्म में पूंजी ला के आता है उसके आधार पर ही उसकी कुल पूंजी का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ किसी साझेदार की समायोजित पूंजी नए लाभ हानि के अनुपात से अधिक है तो वो साझेदार उस अधिक पूंजी को निकाल ले जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई पुराना साझेदार उसकी समायोजित पूंजी नए लाभ हानि अनुपात के अनुसार यदि उसकी पूंजी अधिक है तो वो उतनी अधिक पूंजी को निकाल के ले जाता है, और यदि समायोजित पूंजी कम है तो वो अंतर की राशि को पूंजी के रूप में लेकर यहाँ पर आता है। तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम देखेंगे कि नए साझेदार के हिस्से के आधार पर पूंजी या लाभ हानि के अनुपात में जो समायोजन होता है वो किस प्रकार से होता है। ये उदाहरण हमारे सामने है कि एक फर्म में नए साझेदार के लिए 1/8 भाग के लिए
यहाँ पर साझेदार बनाया गया, जिसके लिए वो 16,000 रुपये पूंजी लेकर यहाँ पर आता है। अब चूंकि पुराने जो साझेदार हैं आ बा और सा, इनका पूंजी अनुपात जो है 6:5:5:3:2, यहाँ पर इनका नया पूंजी अनुपात तय किया गया। तो अब हमें फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना है और आवासा की नई पूंजी क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि दा जो है वो 1/8 भाग के लिए 16,000 रुपये की पूंजी लेकर आ रहा है। तो फर्म की कुल पूंजी जो है वो 16,000 × 8, मतलब यहाँ पर 1/8 भाग प्राप्त करने के लिए वो 16,000 पूंजी ला रहा है। तो कुल पूंजी जो उसकी होगी फर्म की, वो कुल होगी 1,28,000, 16,000 × 1,28,000। अब यहाँ पर हमें अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है, नया अनुपात 6:5:5:3:2। तो आखिरी पूंजी जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल पूंजी हमारे पास 1,28,000 फर्म की, उसमें 6/16, ये 6/16 जो है 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16, मतलब 1 अनुपात जो है वो कितना है 6/16 और बाका है 5/16 और सा का है 3/16, डाका होगा यहाँ पर 2/8। तो यहाँ पर हमने देखा तो 6/16 एक अनुपात पूंजी अनुपात, तो ये 1,28,000 गुणा 6/16। तो यहाँ आगे पूंजी जो बनती है वो बनती है 48,000 रुपये और वहीं बाकी पूंजी जब हमने निकाली यहाँ पर, तो बाकी पूंजी जो है यहाँ पर बनती है कितनी 40,000 रुपये और तो यहाँ सा की पूंजी बनती है 1,28,000 × 3/16 जो इसका अनुपात है सा का, तो इसकी पूंजी बनती है यहाँ पर 24,000 और ऑलरेडी दा की पूंजी जो दी हुई है 16,000 रुपये लेकर आ। इस प्रकार से इनका जो नया पूंजी समायोजन है ये आपका टोटल 1,28,000 रुपये ये इनके तीन चारों का नया पूंजी है। ये इस अनुपात में इनकी पूंजी जो बढ़ गई बट गई यहाँ पर ए की 48, बी की 40,000, सी की 24,000 और डी की। दूसरी स्थिति हमारे सामने है पूंजी का समायोजन यदि नई फर्म की पूंजी निश्चित कर दी गई है। यहाँ पर अब जब पहले से ही सभी साझेदारों ने तय कर लिया कि इतनी पूंजी निर्धारित होगी, तो इस स्थिति में फर्म की पूंजी निर्धारित कर दी जाती है और सभी साझेदार जो है अपना पूंजी शेष अपने लाभ हानि अनुपात में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नई फर्म की निर्धारित पूंजी समस्त साझेदारों के पूंजी अनुपात में बांट दी जाती है और इस नई पूंजी की तुलना जो है समायोजित पूंजी से करके हम इसका अधिक या कमी की गणना हम कर लेते हैं। तो इस स्थिति में जिस साझेदार की समायोजित पूंजी नई पूंजी से अधिक होती है तो वो उस अधिक पूंजी को निकाल लेता है और जिसकी पूंजी कम होती है वह उतना भाग लेकर आता। तो यहाँ इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब नई फर्म की पूंजी निश्चित कर दी जाती है तो सभी साझेदार जो हैं वो लाभान्वि अनुपात में तैयार हो जाते हैं। तो फर्म की जो नई निर्धारित पूंजी है वो सभी साझेदारों के पूंजी अनुपात में बांट दी जाती है और जो आधिक्य या जो कमी है, आधिक्य होता है तो फिर पुराने साझेदार उस आधिक्य को निकाल ले जाते हैं और यदि कम है तो उसकी पूर्ति लाकर वो करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है हमारे सामने कि यहाँ पर आ और बा 3:2 में लाभानी बांटते हैं, उन्होंने सा को नई फर्म में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया जो पूंजी का 2,00,000 रुपये नगद लेकर आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है नई फर्म की पूंजी 8,00,000 रुपये। अब यहाँ पर जो पुराने साझेदार हैं उनकी समायोजित पूंजी 4,00,000 और 2,00,000 रुपये पुरानी समायोजित है। तो हमें यहाँ पर पूंजी कुल पूंजी की गणना करना है फर्म की और पूंजी में जो आधिक्य और जो कमी है पुराने साझेदारों की उनकी हमें यहाँ पर गणना करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
कि यहाँ पर एक बटे चार भाग के लिए साझेदार बनाया गया है, तो फर्म के कुल भाग को हम क्या मान लेते हैं, एक, और उसमें हम एक में से एक बटे चार को हम क्या करते हैं, माइनस, तो ये फर्म का क्या आ गया, बाकी हिस्सा तीन बटे चार। अब आ का हिस्सा हमने निकालने के लिए क्या करेंगे, तीन बटे चार गुणे इसका आ का हिस्सा तीन बटे पाँच बराबर नौ बटे बीस, ये नया अनुपात हो गया। और इसी तरह से बा का हिस्सा तीन बटे चार गुणे दो बटे पाँच, तो ये इसका नया अनुपात छः बटे बीस आ गया। सा का ऑलरेडी दिया हुआ है एक बटे चार, तो पाँच बटे बीस। तो इस प्रकार से यहाँ पर नौ अनुपात छः अनुपात पाँच, ये नया अनुपात आ गया। अब इस अनुपात में हम नई पूंजी की गणना कर लेंगे। दिया हुआ है यहाँ पर आ की जो पूंजी यहाँ पर कितनी है, आठ लाख रुपए, ये ऑलरेडी दी हुई है। नई फर्म की पूंजी जो कितनी है, आठ लाख रुपए है। तो आठ लाख में हिस्सा जो है ए का कितना होगा, नौ बटे बीस बराबर तीन लाख साठ हजार। बी का हिस्सा यहाँ पर छः बटे बीस दो लाख चालीस हजार। सा की पूंजी का हिस्सा जो है दो लाख। तो इस प्रकार से ये आठ लाख की पूंजी का निर्धारण यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है आ, इसकी पूंजी पुरानी कितनी थी, चार लाख रुपए, नई पूंजी उसकी तीन लाख साठ हजार है, मतलब नई पूंजी उसकी कम है, तो वो चार चालीस हजार रुपये जो बचा है उसका, ये क्या कहे, आधे आधे। वहीं हम इसको देखेंगे, बाकी पूंजी नई पूंजी है दो लाख चालीस हजार, जबकि नए अनुपात में उसकी पूंजी आ रही है दो लाख चालीस हजार, तो यहाँ पर उसको पूर्ति करना पड़ेगी कितने की, चालीस हजार, चालीस हजार की कमी। मतलब यहाँ पर जो है चालीस हजार रुपये आ जो है वो पूंजी निकाल के ले जाएगा, और बा जो है चालीस हजार रुपये की जो कमी है उसको वो यहाँ पर पूरा करेगा। तो यहाँ पर इस स्थिति में कि जबकि फर्म में नई पूंजी जो है पहले से स्थापित कर दी हो, पुराने जो साझेदार हैं उनके समायोजित पूंजी खाते के हिसाब से हमें नई पूंजी की, पूंजी का आधिक्य व कमी की गणना करनी है। तीसरी स्थिति हमारे सामने है जब पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो है जब पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी की गणना करना हो, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करके सभी पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी को जोड़ लेते हैं और फर्म की कुल पूंजी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। जैसा भी हमने पिछले सवाल में किया कि पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी जो है उनको हम जोड़ के फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। इस पूंजी से ही वर्तमान में फर्म जो है वो लाभ अर्जित कर रही थी, कमा रही थी। तो यहाँ पर जो पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है उनको जब हम जोड़ लेते हैं, तो इसको ये मानते हैं कि अभी तक की उसी पूंजी के आधार पर जो है वो लाभ कमा रहे थे। अब यहाँ पर पुराने जो साझेदार की समायोजित पूंजी निर्धारित पूंजी पर, कुल पूंजी पर नए साझेदार को दिए जाने वाले लाभ की गणना कर हम नए साझेदारों की पूंजी तय करते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उदाहरण हमारे सामने है, एक फर्म में आ एवं बा तीन अनुपात दो में लाभ हानि बांटते हैं। सा को उन्होंने जो एक बटे चार भाग के लिए साझेदार बनाया। यहाँ पर आ की चार लाख बाकी दो लाख समायोजित पूंजी है। फर्म की कुल पूंजी व नए साझेदारों की पूंजी व आ बा का अधिक व कमी की हमें गणना करना है। तो यहाँ पर नया अनुपात जो हमने निकाला, एक बटे चार भाग के लिए साझेदार बनाया, तो एक माइनस फर्म का कुल हिस्सा माना हमने एक, एक माइनस एक बटे चार बराबर तीन बटे चार। तो पुराने साझेदार की जो पूंजी है वो कितनी है, चार लाख और दो लाख। तो यहाँ पर टोटल पूंजी फर्म की कितनी हो गई, छह लाख। तो यहाँ हमने ये माना कि जो दोनों साझेदारों की जो पूंजी है वो उस पूंजी के अनुपात में छह लाख प्लस दो लाख में लाभ अर्जित कर रहे थे। तो अब यहाँ पर जो कुल पूंजी हमें प्राप्त हो गई, तो छः लाख गुणे चार बटे तीन, फर्म का जो बचा हिस्सा है वो चार तीन बटे चार, कुल पूंजी ज्ञात करने के लिए हमने चार बटे तीन बराबर आठ लाख रुपए ये कुल पूंजी फर्म किया।
अब आ का नया अनुपात निकाल लिया हमने, 3/4 गुणा 3/5 बराबर 9/20, बा का 3/4 गुणा 2/5 बराबर 6/20, सा का 1/4 या 5/20। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9:6:5 नया अनुपात 9:6:5। तो आ की पूंजी कुल 8 लाख में से 9/20 बराबर 3,60,000, बाकी कुल पूंजी 8 लाख गुणा 6/20 बराबर 2,40,000, सा की पूंजी बराबर 8 लाख गुणा 1/4 बराबर 2 लाख। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ए की पूंजी जो पहले 4 लाख थी, यहाँ पर 40,000 उसका क्या हो गया, आधिक हो गया। और यहाँ पर बी की पूंजी जो पहले 2 लाख थी, अब उसको 2,40,000 देने पड़ता है, तो ये 40,000 उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। और ये 2 लाख की पूंजी ये हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जब पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी बी हो, तो उस स्थिति में जो है हम नए साझेदार की पूंजी और आ तथा बाकी पूंजी की गणना यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर देखा कि जो नए साझेदार की पूंजी है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 2 लाख रुपए, और आ और बा का जो आधिक्य है वो 40,000 का आ का आधिक्य है और बा का 40,000 की कमी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूंजी का समायोजन जो है तीन स्थितियों में देखा कि जबकि पहले पे आधार पर जो है नए साझेदार के हिस्से के आधार पर जब आप पूंजी और लाभ की अनुपात की यहाँ पर गणना करते हैं, नया पूंजी अनुपात तय करते हैं, दूसरा पूंजी का समायोजन जब निश्चित फर्म की पूंजी जो है पहले से हम निश्चित कर लेते हैं, इस हिसाब से हम यहाँ पर जो है पूंजी का समायोजन करते हैं। जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश पर पूंजी के समायोजन से क्या आशय समझाइए, साथ ही पुराने साझेदार के पूंजी के अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है, तीसरा जब नई फर्म की पूंजी निश्चित कर दी गई हो तो पूंजी का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा, साथ ही जब नए पुराने साझेदार को पूंजी दी गई हो और तो नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण किस प्रकार से होता है समझाइए। तो यहाँ आज के हम अध्याय के अंतर्गत हमने देखा कि नए साझेदार के प्रवेश पर पूंजी का समायोजन किस प्रकार से